गार्लिक स्मूदीज यानी कि लहसुन का जूस हाफ टी स्पून लिया है, जो कि एंटीबॉडी का काम करती है। हाँ, गार्लिक एक क्लोव, ये देसी वाला लहसुन है, ठीक है। तो ये जो है ये खांसी और जुकाम के लिए बेनिफिट है। हनी नेचुरल स्वीटनर है, ये मिठास के लिए बहुत अच्छा है। और इस अगर आपके पास हनी नहीं तो आप चीनी भी यूज कर सकते हैं। दही एक कप और दूध एक गिलास। तो इन चीजों की जरूरत है हमको गार्लिक की स्मूदीज बनाने के लिए। दूध को हम उबालेंगे। तो दूध बॉईल हो गया है, दूध बॉईल हुआ है तो इसके अंदर साथ ही हम हल्दी ऐड करके मिक्स करेंगे। देखिए हल्दी के साथ दूध में उबाल आ गया। अब हम इसको बंद करेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर के लिए रख देंगे। बॉईल होके ठंडा हो गया है, अब हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे हल्दी वाला दूध। अब लहसुन ऐड करेंगे जिसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब शहद ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीजों को ग्राइंड करेंगे। गार्लिक स्मूदी इज रेडी। अब हम सर्व करके दिखाते हैं। तो मजेदार गार्लिक स्मूदी बनकर तैयार हो गई है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।